हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज मैं आपको देने लगा इस सैमसंग फ़ोन के लिए बेहतरीन सेंसिटिविटी सेटिंग की। यार बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे, भैया सैमसंग का सेंसिटिविटी दे दो, सैमसंग F22 का सेंसिटिविटी दे दो, सैमसंग S24 का अल्ट्रा का सेंसिटिविटी दो, सैमसंग मतलब भाई सैमसंग का अगर आपके पास फ़ोन है और उसमें खेल दो BGMI या फिर PUBG मोबाइल, और अगर आपका इस पर काफ़ी ज़्यादा बेकार जाता है, काफ़ी गन आपका रिकॉइल खाता है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो देखने के बाद गाइस आपका स्प्रे पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि मैं आपको जो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करूंगा इस सेंसिटिविटी के मदद से आप लोग काफ़ी अच्छा स्प्रे मार सकते हो, साथ में आप जीरो कल भी स्प्रे मार सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, सारे गन्स का स्प्रे भी दिखाऊंगा आपको, कौन सा गन से कितना अच्छा स्प्रे जा रहा है, एंड गाइज किस तरीके से आपको स्प्रे मारना वो भी मैं आपको बताऊँगा, एंड कैसे कंट्रोल करूँ मैं बताऊँगा, एंड कोड भी दूंगा। तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सब्सक्राइब तो कलर के कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो मेक श्योर सपोर्ट करो अपने भाई को। यार आपका भाई सारे फोन का सेंसिटिविटी बना के देता है यार, तो प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड करो यार, सब्सक्राइब एंड करो दबाओ यार। तो चलो गाइज फाइनली यार आप लोगों ने कर ही लिया होगा, तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग कैंप के अंदर, और गाइज बहुत सारे बंदे का डिमांड था गाइज सैमसंग F33 मतलब सैमसंग के डिवाइस के लिए बेहतरीन सेंसिटिविटी बनाना। तो गाइज ये वीडियो देखते रहो बस, बाकी आप लोग यहाँ पे मैं अभी स्प्रे मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना गाइज 2x के स्प्रे रेड का आप लोग स्प्रे दिखा दिया, तो ये था M4+2X, इसके बाद गाइस M4+3X, ठीक है। तो ये देखो गाइस ये सामने अपना फैन है, एंड देखो ये M4+3X जो काफ़ी ज़्यादा कूल, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्प्रे मिल रहा है आपको देखने के लिए। अब गाइस बाहर ये M4+4X, ठीक है, तो 4X का भी आप लोग देख लो स्प्रे, बिल्कुल सेम टू सेम काफ़ी बढ़िया स्प्रे जा रहा है आपको, बढ़िया स्प्रे मिल रहा है देखने के लिए। अब गाइस बाहर ये M4+6S, जी हाँ गाइस 6S का भी आप लोग स्प्रे देख लो, एंड ये देखो गाइस 6S का भी स्प्रे देख लो, कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको देखने के, आपका पैरा सा स्प्रे जो कि ये 6S का, ठीक है। इसके बाद गाइस बाहर ही आपका पैरा सा स्प्रे जो कि है गाइस एक और गन जो कि गाइस ये न्यू गन है M7M वाले, तो ये देखो अपना रेडियो का स्प्रे ये वाली। अब गाइस बाहर ये 2S के स्प्रे, 2S से अभी आप लोग देख लो ये स्प्रे, सामने अपना व्हीकल है, एंड ये देखो। अब गाइस बाहर है यहाँ पे 3S का, तो 3S का भी आप लोग देख लो ये स्प्रे, एंड सामने गाइस अपना व्हीकल है, तो ये देखो 3S का स्प्रे अपना Ven+3X काफ़ी बढ़िया है स्प्रे। तो चलो गाइस अब बाहर है यहाँ पे 4S का, तो 4S का भी आप लोग यहाँ पे देख लो स्प्रे, 4S का भी स्प्रे काफ़ी बढ़िया जाने वाला है, तो सामने अपना वैन है, एंड ये देखो 4S का स्प्रे देख लो गाइस कितना ज़्यादा ओपी, कितना ज़्यादा गाइस बढ़िया यहाँ पे स्प्रे मिल रहा है देखने के लिए। तो अब गाइस बाहर है यहाँ पे 6S, जी हाँ गाइस देखो 6S का स्प्रे। तो चलो गाइस आप लोगों को मैंने दिखा दिया यहाँ पे 6S का स्प्रे, अब गाइस भारी है यहाँ पे आप लोगों को दिखाने इसके लिए एक और गन, जी हाँ गाइस। वैसे तो देखो यार आप लोग ना सैमसंग फ़ोन के लिए बढ़िया स्प्रे तो ढूंढ ही रहोगे, जैसे कि मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो देखो गाइस अगर आप लॉन्ग रेंज मारते हो ना गाइस, कोई ऐसा है जिसका रिकॉल काफ़ी ज़्यादा हो, तो लेट के स्प्रे मार रहा काफ़ी बढ़िया स्प्रे जाने वाला है। तो चलो गाइस अब बारी है एक और गन से, मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रे जो कि उन्होंने स्कारल, क्योंकि देखो बहुत सारे बंदे स्कारल भी यूज़ करते हैं, और हालांकि अभी कभी भी आप रिकॉल होते हो तो आपको बेसिकली स्कारल ही मिलता है, एंड उजी मिलता है, उजी तो आप लोग चला लेते हो, बट स्कारल बहुत सारे बंदे नहीं चला पाते। तो मैं आपको स्कारल से स्प्रे मार के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सामने का देखो सामने बहुत सारे व्हीकल है, एंड ये देखो ये अपना रेड डॉट। अब गाइस बारी यहाँ पर 2X का स्प्रे जो कि आप लोग यहाँ पर देख लो, ये अपना 2X, ठीक है। तो सामने वैन एंड 2X देखो स्प्रे, तो गाइस आप लोग 2X का स्प्रे देख लो। अब गाइस बारी यहाँ पे 3S का जो कि आप लोग 3S का भी स्प्रे देख ही लो। तो गाइस अब बारी यहाँ पे 4S का जो कि आप लोग यहाँ पे देख लो 4S का स्प्रे, सामने वैन सॉरी सामने BRDM, एंड ये देखो हाँ लिटरली वो परफेक्ट स्प्रे मिल रहा है आपको देखने के लिए। अब यही नहीं गाइज, DP हो, सरल हो, ऑग हो, बैरल हो, M4 हो, कोई भी गन हो, इस तरीके से आप लोग स्प्रे को मार सकते हो आप लोग अपने गन से, काफ़ी बढ़िया खतरनाक सा स्प्रे। तो अब बारी है आप लोगों को दिखाने के लिए सेंसिटिविटी, जी हाँ गाइज बहुत सारे बंदे मोस्ट ऑफ द बंदे डिमांड कर रहे थे और वेट कर रहे थे, तो सैमसंग फ़ोन के लिए मतलब ऑल फोन सैमसंग के सारे फ़ोन के लिए, ठीक है, कोई सा भी अगर आपके पास मॉडल है सारे मॉडल के लिए सेंसिटिविटी, ठीक है। तो
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेंसिटिविटी, क्योंकि सेंसिटिविटी काफ़ी मैटर करती है और आपको ए टू जेड सारा सेंसिटिविटी कॉपी करना है। जो भी सेंसिटिविटी सारा सेंसिटिविटी आपको कॉपी करना है तभी आपका बढ़िया स्प्रे जाने वाला, ठीक है। तो ये देखो गाइस, ये आपका सेंसिटिविटी एंड आप देख लो गाइस कैमरा सेंसिटिविटी आता है आपका नन जेरो में। तो टिपी भी, ठीक है, टिपी भी देख लो क्या क्या कर रहा हूँ मैं आप यहाँ पे। तो 120 रखना है आपको, एपीपी में रखना है आपको 94, 2x इसको ऊपर रखना है 36, 4x में रखना है आपको 18, 8x में रखना है 14, ठीक है। 6x में रखना है आपको 8, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग स्नाइपिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा गाइज लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट जाता है, तो उसके लिए बेस्ट है। एंड 3x भी आप लोग देख लो, 3x का भी इस पर कुछ इस तरह से मिलेगा आपको देखने के लिए। अब गाइज बारी यहाँ पर 6x का, तो वही मैंने कर दिया नॉर्मल। एंड ये देखो ये अपना कैमरा सेंसिटिविटी सारा सेंसिटिविटी आप लोग यहाँ पे देख लो। तो गाइज आपको सारा सेंसिटिविटी ये आप लोग यहाँ पे देख लो, सारा सेंसिटिविटी आपको कॉपी कर लेना है, आप लोग देख लो जो भी इनेबल है जो भी डिसेबल है आप लोग देख लो, ठीक है। अभी मैं आपको सेंसिटिविटी बना के दे दिया, ठीक है, परफेक्ट सेंसिटिविटी। तो मैं बोलूँगा आपको ये सेंसिटिविटी आप यूज़ करो, वन ऑफ द बेस्ट सेंसिटिविटी है ये। एंड सेपरेट सेंसिटिविटी के कैमरा सेंसिटिविटी फिर लोग ये होता है आई बटम में, तो आई बटम के लिए आप लोग ये भी मतलब कॉपी करना है कर लो, नहीं करना मत करो क्योंकि आई बटम नॉर्मल होता है तो यूज करना करना कोई फ़ायदा है नहीं। एंड ये देखो ये आपका जीरोस्कोप है, 360, 400, 290, 300, 210, 225, 95, 42, ठीक है, 95 है 42, ठीक है। तो देख लो 6x 8x ये कुछ ऐसा सेंसिटिविटी है, आप ऐसा सेंसिटिविटी मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो ये था गाइज आपको जीरोस्कोप का सेंसिटिविटी। अब गाइज बारी है एक और आपका सेंसिटिविटी जो काफ़ी डिफरेंट सेंसिटिविटी है जो कि ADS है, तो आपको ADS भी कॉपी करना है क्योंकि ADS भी काफ़ी मैटर करता है। तो मेक श्योर गाइज आप देख लो गाइज आपको ADS सेंसिटिविटी भी कॉपी करना अच्छे तरीके से। तो देख लो ये है आपका ADS सेंसिटिविटी, ठीक है, जो काफ़ी बढ़िया काफ़ी मस्त लगता है। तो गाइज ये है आपका सेंसिटिविटी, ठीक है, आप लोग देख लो और सारा सेंसिटिविटी मैंने आपको दिखा दिया। अब गाइज बारी है सेंसिटिविटी कोड का, तो गाइज कोड भी अभी आप लोग यहाँ पे देख लो, 1 लाइन लगाना है, 7416 एक लाइन लगाना है, 2049 एक लाइन लगाना है, एंड 1290 लाइन लगाना है, 2541 लाइन लगाना है, 479, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या करना है, आप लोग कमेंट खोलना, कमेंट में ये कोड लिखना है और वहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी वहाँ से करना, ठीक है, क्योंकि देखो यार डिस्क्रिप्शन में कोड देने कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कोड कॉपी होता ही नहीं, ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो बेसिकली आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी है कॉपी करना, जैसे कि मैंने बता रहा हूँ आपको इस तरीके से आप लोगों को कॉपी कर लेना है, जो कि देख लो गाइस ये सारा सेंसिटिविटी आप कॉपी कर लोगे, अच्छे से आपको लिखना है तभी, अच्छे से कॉपी करना तभी ये कोड काम करेगा, वरना कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर लाइन भी हटा देते हो, एक भी लाइन मिस कर देते हो तो कोड काम नहीं करता। तो कोड वर्किंग चाहिए, तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से कोड लिखना है तभी कोड काम करेगा, वरना कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलते भाई कोड फेल टू रिट्राइप लिख के आ रहा है, तो फेल टू रिट्राइप तभी लिख के आता है जब आप कोड अच्छे से कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तब, ठीक है, तो आपको अच्छे से कॉपी पेस्ट करना है। तो वेल गाइज ये देखो आपको ये आपका सर्च सेक्शन एंड सर्च में आके गाइज सेम टू सेम आपको सेंसिटिविटी कोड को पेस्ट करना है, सेंसिटिविटी कोड पेस्ट कर लोगे तो ऐसा कुछ मेरे नाम से लेक्चर नाम से आ जाएगा एंड सेव करोगे तो पूरा सेंसिटिविटी आपको मिलेगा देखने के लिए सेव, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको सेंसिटिविटी दे दिया एंड ये था आपको सारे सैमसंग फ़ोन के लिए सेंसिटिविटी। तो आई होप गाइज अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइज।